स्वागत है मेरे YouTube चैनल मैथमेटिक्स इज मैजिक में। लास्ट वीडियो में हमने बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस किया था। आज हम बात करेंगे एग्जिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि कोई भी एग्जिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दिया गया होगा तो उसे कैसे हम सोल्व कर सकते हैं। हम एक सिक्वेंस में टॉपिक लेकर वीडियो बना रहा हूँ, तो आई होप कि आप सब लोगों को वीडियो पसंद आए होंगे और आगे भी मैं सिक्वेंस में कंटेंट लेके आ रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे एग्जिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले तो मैं बता देता हूँ कि व्हाट इज एग्जिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर हमारे पास m और n फंक्शन ऑफ x y हो गए, यानी कि हमारा m x y dx प्लस n x y dy। हमारे पास m और x, तो यहाँ पर एग्जिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म यह है कि m dx m x y, यानी कि हमारा जो m है वो x y का फंक्शन है, इसको हम कैसे बोलेंगे, m dx प्लस n dy इजिकल टू जीरो। यहाँ पर ऐसा फॉर्म होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, एग्जिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म। इसके ये जनरल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला ऑफ एग्जिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर पहले तो हमें पता चल गया कि यह फॉर्म है वो जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म है, यानी कि एग्जिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म। अब हमें पता लगाना है कि कोई भी एग्जाम्पल होगा तो उसको कैसे हम सोल्व करेंगे विथ यूज ऑफ एग्जिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर इसके सॉल्यूशन की मैं आपको मेथड बता देता हूँ। पहले तो हमें m पता है कि यहाँ पर से हम m निकालेंगे, यहाँ पर से हम n निकालेंगे, तो यहाँ पर m और m हमें पता चल गया। अब क्या, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले m को निकालेंगे और बाद में n को। तो यहाँ पर हमें m और n की वैल्यू पता चल गई। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पर m है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, और बाद में क्या करेंगे, जब हमने m निकाला तो उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया था जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हो और बाद में ये वीडियो देखिएगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, डेल एम अपॉन डेल वाई एंड डेल एन अपॉन डेल एक्स, उसको हम फाइंड आउट करेंगे और हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होता ही है नहीं। अगर वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्मूला यह होगी और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई, यानी कि हमारा जो डेल एम अपॉन डेल वाई इजिकल टू डेल एन अपॉन डेल वाई दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर इस फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, जहाँ पर हमारी जो यहाँ पर एक्स वाली टर्म होगी ना उसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, और जहाँ वाई वाली जो टर्म होगी उसको क्या हम कंसिडर करेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म, यानी कि वाई को कॉन्स्टेंट रखेंगे और एक्स का डेरिवेटिव करेंगे जहाँ पर एक्स होगा वहाँ, यह पहले टर्म में। बाद में क्या आता है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या आता है, टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स, यानी कि यहाँ पर हमारी एन में जो एक्स वाली टर्म होगी ना उसको हम कंटेन नहीं करेंगे, उसको यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे। यदि सिर्फ वाई वाली टर्म होगी ना, जैसे कि वाई होगा, वाई स्क्वायर होगा या कोई भी टर्म, उसे हम क्या यहाँ पर लिखेंगे, y इंटू डी वाई, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक्स वाई होगा अथवा एक्स डिवाइडेड बाई वाई होगा, यहाँ पर ऐसी टर्म x से कंटेन में होगी तो उस टर्म हमको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, उसका इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, उस टर्म को हम क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ y वाली टर्म ही यहाँ पर रखेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे इज इक्वल टू c। तो यह होगी हमारी फॉर्मूला। आइए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैंने एक एग्जांपल लिया है dy by dx plus y cos x plus sin y plus y divided by sin x plus x cos y plus x is equal to 0। तो यहाँ पर पहले हम देखेंगे कि यह एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की जो जनरल फॉर्मूला है उससे मैच होती है या नहीं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले m dx plus n dy is equal to 0 है, ऐसा फॉर्म हम यहाँ पर पहले लाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, पहले एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर ये पूरी टर्म है वो डीवाई से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन एक्स प्लस एक्स कोस वाई प्लस एक्स, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, डीवाई प्लस यहाँ पर जो पूरी टर्म है उसके साथ डी एक्स मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, वाई कोस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई होगा, डी एक्स। अब यहाँ पर यह क्या आएगा, डी एक्स इंटू यहाँ पर साइन एक्स एक्स कोस वाई प्लस एक्स आएगा, उसको मैं जीरो से साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा इसका, जीरो। तो यहाँ पर हम एम और एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो पहले देखिए, एम डी एक्स है तो यहाँ पर क्या है,
एम इंटू डी एस, तो एम की वैल्यू क्या हो गई, यह वैल्यू एम की हो गई। और यहाँ पर क्या है एन डी वाई, तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या हो गई, तो यह वैल्यू हो गई एन की। तो यहाँ पर एम और एन की वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर एम इजिकल टू क्या आएगा, वाई कॉस एक्स प्लस साइन वाई प्लस वाई। तो एन की वैल्यू क्या आएगी, साइन एक्स प्लस एक्स कॉस वाई प्लस एक्स। तो यह हमें साइन और एम और एन की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने आगे देखा था कि डेल एम यानी कि एम का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई इज इक्वल टू एन का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसे फाइंड आउट दोनों का करेंगे और कंपेयर करेंगे कि दोनों सेम आ रही है या नहीं। अगर सेम आ रही है तो हमारी जो फॉर्मूला थी उसे हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले एम का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर y है तो y का हो जाएगा वन, cos x को x का कांस्टेंट होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा cos x, प्लस यहाँ पर sin y है तो sin का क्या हो जाएगा cos y, प्लस यहाँ पर y है सिर्फ यहाँ पर क्या है y, यहाँ पर y का क्या हो जाएगा वन। और अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, डेल एन अपॉन डेल एक्स, यानी कि जो हमारा n है उसका पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर sin x है उसका क्या हो जाएगा cos x, प्लस यहाँ पर आएगा और यहाँ पर कोस वाई है वो कॉन्स्टेंट रहेगा क्योंकि हम पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं। यहाँ पर एक्स का क्या हो जाएगा वन और कोस वाई कॉन्स्टेंट, प्लस यहाँ पर एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू कर रहे हैं तो एक्स का क्या हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव वन। यहाँ पर देखिए इसे हम इक्वेशन वन कह देता हूँ, इक्वेशन टू, इक्वेशन वन और टू देखिए, कोस एक्स कोस वाई कोस वाई प्लस वन प्लस वन। यहाँ पर हमें क्या मिला, डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो हम इक्वेशन वन एंड टू, तो यहाँ पर से हमें पता चला कि डेल एम अपॉन डेल वाई इजिकल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, यानी कि जो हमारी कंडीशन थी वो कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारी इंटीग्रेशन वाली फॉर्मूला थी उसको अप्लाई करके इसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होता है। देखिए हमारी कंडीशन डेल एम अपॉन डेल वाई इजिकल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स वो सेटिस्फाई हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारी फॉर्मूला थी उसे हम पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या था इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर क्या था वाई कॉन्स्टेंट और यहाँ पर क्या था एम डी एक्स, प्लस यहाँ पर क्या था इंटीग्रेशन फ्री फ्रॉम ऑफ एक्स, यानी कि जो हमारी वाई वाली टर्म होगी उसमें हम क्या एक्स होगी वो टर्म को कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ लिखूंगा फ्री फ्रॉम एक्स, यहाँ पर क्या आएगा एम डी वाई इजिकल टू, यहाँ पर क्या था तो कॉन्स्टेंट सी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट सी। तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूला में वैल्यू को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा एम की वैल्यू यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या हम एम की वैल्यू लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पर y कॉन्स्टेंट वैल्यू देता हूँ और यहाँ पर क्या आएगा y cos x प्लस sin y प्लस y मल्टीप्लाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन। यहाँ पर क्या x वाली टर्म है वो हमें नहीं लिखने, सिर्फ y वाली टर्म होगी वो ही हम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए sin x है x वाली टर्म है तो उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए x cos y है साथ में x है तो उसे भी हम डिलीट कर देंगे क्योंकि यहाँ पर हमें y के साथ x वाली टर्म है जो हमें कंसिडर नहीं करनी, x आता होगा तो उसको हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पर देखिए x है तो x डिलीट कर देंगे, तो यहाँ पर कोई भी टर्म नहीं है यानी कि यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या आएगा जीरो डी वाई और यहाँ पर तो हमें लिखने की जरूरत है इजिकल टू सी। तो यहाँ पर क्या आएगा आप देखिए, यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन करने हम यह ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर y क्या है कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर क्या होगा इसका इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिखता हूँ तो y कॉन्स्टेंट है तो cos x का करेंगे इंटीग्रेशन तो उसका क्या होता है sin x, तो y कॉन्स्टेंट cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस यहाँ पर sin y, y वाली टर्म में वो कॉन्स्टेंट रहेगी और यहाँ पर एक वन होगा तो वन का इंटीग्रेशन क्या होगा x, x sin y प्लस यहाँ पर भी इस तरह से, तो यहाँ पर क्या होगा y y के साथ मल्टीप्लाई क्या होगा वन तो वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स वाई, बस यहाँ पर तो कोई है ही नहीं, यहाँ पर क्या गया इजिकल टू सी। तो यह हो गई हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन एक दिया गया था उसे हमने चेक किया कि दिस इक्वेशन एग्जांपल दिया गया एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन सेटिस्फाई करता है या नहीं। अगर वो डेल एम अपॉन डेल वाई इजिकल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम क्या करेंगे इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे। यह फॉर्मूला से हमें सिंपल, यहाँ पर क्या हमें ध्यान में रखेंगे कि यहाँ पर y कॉन्स्टेंट है और यहाँ पर हमें फ्री फ्रॉम x यानी कि x वाली टर्म हमें नहीं लिखनी है।
तो इससे हमें डायरेक्ट सोल्यूशन ईजी मिल गया। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई इंटू डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स इंटू डी वाई इजिकल टू जीरो है। तो यहाँ पर हमें इस इक्वेशन का सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इससे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ कंपेयर करेंगे। अगर आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर हमने जो आगे सेपरेबल वेरिएबल देखी है, होमोजीनियस देखी है, बर्नौलीज देखी है, जो सारी मेथड देखे उसे हम अप्लाई नहीं कर सकते, और जो हमने एग्जिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन वाली जो मेथड देखी उसे हम अप्लाई कर सकते हैं। आगे की जो मेथड अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए हमने एग्जिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की मेथड को अप्लाई किया है। अगर आगे जो हमने देखी तो उस मेथड से सोल्यूशन आता है तो हम उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इसके साथ हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास डी एक्स, तो यहाँ पर डी एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा एम होगा, तो यह एम की वैल्यू होगी हमारे पास। और यहाँ पर देखिए डी वाई डी वाई, तो यह हो गई एम की वैल्यू। तो यहाँ पर एम या एम की वैल्यू लिखेंगे, एम इजिकल टू क्या है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, और यहाँ पर एम इजिकल टू क्या है वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। पहले हम क्या करेंगे, अब एक के बाद एक स्टेप को याद रखिए, यहाँ पर पहले एम और एन की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, और बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी कंडीशन थी डेल एम अपॉन डेल वाई, यानी कि एम का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई इजिकल टू एम का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वो सेम आ रहा है या नहीं, यानी कि दोनों की वैल्यू इक्वल है या नहीं, वो हम चेक करेंगे। तो हमारा होगा सेकंड स्टेप। यहाँ पर हम क्या करेंगे, एम का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई पहले फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर एम का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स का होगा वहाँ पर कॉन्स्टेंट होगा, कॉन्स्टेंट का पार्शियल डेरिवेटिव जीरो, और यहाँ पर y का 1 हो जाएगा और बचेगा क्या माइनस ए। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है n का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y क्या हम कंसीडर करेंगे कॉन्स्टेंट, यहाँ पर क्या होगा डेल एन अपॉन डेल एक्स इजी करते, यहाँ पर y स्क्वायर है तो उसे कॉन्स्टेंट यानी कि उसका 0, माइनस यहाँ पर x है तो x का 1 हो जाएगा और माइनस ए बचेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास डेल एम अपॉन डेल वाई और डेल एन अपॉन डेल एक्स दोनों की वैल्यू क्या है माइनस 1, यानी कि दोनों की वैल्यू इक्वल है, यहाँ पर माइनस 1 माइनस ए इजिकल टू माइनस ए, ये हो गए दोनों की वैल्यू को। यहाँ पर यह एग्जिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पर हमारी जो फॉर्मूला थी इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर क्या आएगा एम डी एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा वाई कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या होगा फ्री फ्रॉम एक्स, यानी कि एक्स वाली कोई टर्म नहीं लेनी है, और क्या आएगा एन डी वाई इजिकल टू सी। तो यहाँ पर इस हमारी जो फॉर्मूला थी इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए m की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, तो यहाँ पर हम देखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, और यहाँ पर क्या होगा y कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या है फ्री फ्रॉम x, यानी कि x वाली जो टर्म होगी उसे हम नहीं लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स, यहाँ पर x है तो इस टर्म को हम डिलीट कर देंगे, हमारे पास क्या बची वाई स्क्वायर, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इजिकल टू सी। अब इसका हम सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, यहाँ पर क्या आएगा डी एक्स, तो यहाँ पर डी एक्स के रिस्पेक्ट यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री माइनस, यहाँ पर ए वाई दोनों कॉन्स्टेंट है, और यहाँ पर क्या आएगा ए एक्स वाई, यहाँ पर सिंपली वन का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स प्लस, यहाँ पर वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का डी वाई के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा वाई क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री इजिकल टू सी। तो यह आ गया हमारा फाइनल आंसर। यह मेथड बहुत ही ईजी है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, पहले हम चेक करेंगे कि उसकी कंडीशन क्या है डेल एम अपॉन डेल वाई इजिकल टू डेल एम अपॉन डेल एक्स, यह कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है इस फॉर्मूला है हमारी, उसमें हम सिर्फ यहाँ पर हमने एम और एन की वैल्यू जहाँ फाइंड की थी उस फॉर्मूला से हम इसकी वैल्यू यहाँ पर बुक करेंगे, फाइनल सिंपल इंटीग्रेशन करके इसका आंसर आएगा। आइए एक लास्ट वाला एग्जाम्पल देखते हैं और इसको कम्प्लीट करते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे लास्ट वाला एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पर 2x y क्यूब माइनस 2 y स्क्वायर प्लस 4 x क्यूब इंटू डी एक्स, और यहाँ पर dy की क्या है n के n की वैल्यू 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4xy माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर हमें ये इक्वेशन दिया गया है, हम पहले चेकआउट करेंगे कि यह इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो उसमें हमारा जो फॉर्मूला है उसे हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर पहले एम और एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अब मैं डायरेक्ट एम और एन की वैल्यू लिखता हूँ, यहाँ पर एम डी एक्स है तो यहाँ पर एम की वैल्यू क्या होगी 2x y क्यूब माइनस 2y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब, और यहाँ पर एन डी वाई है तो यहाँ पर एन की वैल्यू क्या होगी n इजिकल टू यहाँ पर क्या है 3x स्क्वायर
वाई स्क्वेयर माइनस 4xy, तो यहाँ पर क्या है बच्चा माइनस 3y स्क्वेयर। तो यह हो गई m और n की वैल्यू। अब हम चेकआउट करेंगे कि डेल m अपॉन डेल y, यानी कि m का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, और डेल n अपॉन डेल x, यानी कि n का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पर देखें डेल m अपॉन डेल y पहले फाइंड आउट करेंगे, यानी कि x कॉन्स्टेंट होगा, y का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, यानी कि m का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। तो यहाँ पर क्या होगा वाई क्यूब है तो थ्री आगे आएगा, यानी कि पावर आगे आएगी तो टू से मल्टीप्लाई होगी, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सिक्स एक्स, और यहाँ पर क्या बचेगा एक पावर कम होगी, तो यहाँ पर वाई स्क्वायर माइनस, यहाँ पर इसका मैं डायरेक्ट लिखता हूँ फोर वाई, यहाँ पर एक्स वाले टर्म है तो इसका क्या हो जाएगा जीरो। यहाँ पर देखिए डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पर एक्स वाली टर्म का पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे वाई वाली टर्म को कॉन्स्टेंट रखेंगे, तो यहाँ पर टू आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा सिक्स एक्स वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट माइनस, यहाँ पर वाई का वन हो जाएगा और फोर एक्स और ये कॉन्स्टेंट रहेगी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू होती है फोर वाई कॉन्स्टेंट और एक्स का डेरिवेटिव वन, और यहाँ पर माइनस थ्री वाई, वाई तो कॉन्स्टेंट है क्योंकि हम एन का पार्शियल डेरिवेटिव को एक्स कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका हो जाएगा जीरो। तो अब देखिए हमारा इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, इक्वेशन वन और टू दोनों इक्वल है, यानी कि हम कह सकते हैं कि डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल एक्स की सेट कंडीशन है वो सेटिस्फाई कर रही है। तो यहाँ पर जो हमारी फॉर्मूला थी, फॉर्मूला क्या थी हमारी इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एम डी वाई, जहाँ पर एम डी एक्स होगा वो क्या होगा वाई कॉन्स्टेंट होगा, प्लस एम डी वाई होगा उसमें क्या होगा फ्री फ्रॉम एक्स कॉन्स्टेंट, तो उसको मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा जो हमारा एम है उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पर क्या आएगा टू एक्स वाई क्यू माइनस टू वाई प्लस फोर एक्स क्यूब, यहाँ पर इसके साथ क्या होगा डी एक्स, यहाँ पर क्या आएगा वाई कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन, यहाँ पर क्या होगा फ्री फ्रॉम एक्स, तो यहाँ पर क्या होगा फ्री फ्रॉम एक्स, लाइक एक्स वाली टर्म नहीं होगी, जो सिर्फ वाई वाली टर्म होगी उसे ही हम लेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यानी कि एक्स वाली टर्म है इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम क्या करेंगे नेगलेक्ट कर देंगे। यहाँ पर भी देखिए x मल्टीप्लाई में y के साथ, यहाँ पर इसको भी डिलीट कर देंगे, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास माइनस थ्री वाई स्क्वेयर, तो यहाँ पर x वाले टर्म नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे माइनस थ्री वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई इजिकल टू क्या आएगा c। तो अब इसका क्या करेंगे सिंपली इंटीग्रेशन और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे इसका डी एक्स के विथ रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन, यहाँ पर x होगा y इंटीग्रेशन होगा y, और बाकी टर्म को हम कॉन्स्टेंट कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा x का टू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू, एक्स हो गया एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई टू, पावर डिनोमिनेटर में वाई जाएगी, तो यहाँ पर वाई क्यूब कॉन्स्टेंट माइनस टू, यहाँ पर वाई स्क्वेयर कॉन्स्टेंट है और क्या आ जाएगा वन का एक्स, प्लस यहाँ पर क्या आएगा एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स रेस टू फोर और डिनोमिनेटर में फोर, यहाँ पर इस माइनस को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और यहाँ पर क्या आएगा थ्री वाई स्क्वेयर, यानी कि वाई स्क्वेयर का क्या होगा थ्री, यहाँ पर ऐसे वाई स्क्वेयर का हो गया वाई क्यूब प्लस वन और डिवाइडेड बाई थ्री, यहाँ पर इजिकल टू सी है, यहाँ पर थ्री से थ्री कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर फोर से फोर कैंसिल हो रहा है, और यहाँ पर टू से टू कैंसिल हो रहा है, हमारे पास बचा क्या एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब माइनस टू वाई स्क्वेयर एक्स प्लस एक्स एस टू फोर माइनस वाई क्यूब इजिकल टू सी। तो यह हो गया हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर भी हमने यहाँ पर एग्जिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं वो पहले चेक किया, बाद में हमारे जो फॉर्मूला थे उसे अप्लाई करके हमने फाइनल आंसर है। यह तो बात हो गई एग्जिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यदि हमें एग्जिस्ट डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया होगा तो उसे हम यहाँ पर जो हमारी फॉर्मूला थी एम डी एक्स, यहाँ पर वाई कॉन्स्टेंट था प्लस इंटीग्रेशन ऑफ फ्री फ्रॉम एक्स एम डी वाई इजिकल टू सी, यह फॉर्मूला को हम अप्लाई करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर हमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं दिया गया होगा यानी कि नॉन एग्जैक्ट होगा तो वहाँ पर हम क्या करेंगे वो हम आगे की वीडियो में देखने वाले हैं। तो आई होप कि आप सब लोगों के एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो पसंद आई होगी, कोई आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, अगर आपको कोई डाउट है तो उसे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।